तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने लास्ट टाइम मेरे वीडियो में देखा होगा कि हम गणपति पुले आए थे और कल शाम को हम मंदिर में गए, बीच पे गए, वो सब डिटेल आपने मेरे लास्ट वीडियो में देखी होगी। अगर नहीं देखा तो वो देख लेना। अभी हम यहाँ होटल से चेकआउट कर रहे हैं और जाएंगे रत्नागिरी। इस वीडियो के अंदर हम जो भी रत्नागिरी में एक्सप्लोर करेंगे वो सब दिखाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं रत्नागिरी के लिए। तो अभी हम निकल गए गणपति पुले से, हमारी होटल से, और सबसे पहले जाएंगे आरेवारे बीच। यहाँ से आरेवारे बीच का जो डिस्टेंस है वो 15-20 मिनट का ही है, 10 किलोमीटर है। तो पहले पहुँचते हैं आरेवारे बीच। देखिए अभी हम रास्ते में हैं और जा रहे हैं आरेवारे बीच। बट ये रास्ते पे राइट साइड पे इस तरह से पूरा सी का व्यू आता है। तो यहाँ पे रास्ते में ही हम रुक गए, कार साइड में खड़ी कर दी, और यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है। तो पहले सोचा कि यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, बाद में जाएंगे आगे। एक्चुअली यहाँ पे तो नीचे उतरने का भी रास्ता बना हुआ है, बाकी आप व्यू चेक करो कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ से। तो अभी हम फिर से यहाँ पे रुक गए। वैसे ये रास्ता कहने को सिर्फ 15-20 मिनट का है, बट रास्ते में थोड़ी थोड़ी देर में इतने सारे अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट आएंगे तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे। तो कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, व्यू एंजॉय करेंगे और बाद में निकलेंगे आगे। देखिए ये आरेवारे बीच का मेन टर्निंग है। ये जो टर्निंग है वही आरेवार वारे दो बीच को अलग करती है। आरेवार वारे नाम एक साथ बोले जाते हैं, बट आरे बीच अलग है और वारे बीच अलग है। अभी वारे बीच पीछे गया और हम ये टर्निंग पे खड़े हैं, और यहाँ से जो नज़ारा है वो आप देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये कार खड़ी है मेरी और ये मेन टर्निंग है। देखिए ये है आरेवारे ब्रिज। देखिए अभी हम खड़े हैं आरे बीच के पार्किंग तक। तो ये है आरे बीच, एरो लगाया है। यहाँ से अंदर जाएंगे तो जा सकते हैं बीच के ऊपर, तो जाते हैं। यहाँ पे हमने पीछे कार पार्क किया और इतना चल के जाना है बीच तक। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही चलना है, तो यहाँ पे आप इजीली आ सकते हो। जो मैंने आरे वारे ब्रिज आपको दिखाया था वहाँ से भी थोड़ा ही आगे जाके पार्किंग आता है आरे बीच का, और ये है आरे बीच। वो जो सामने आपको दिख रहा है पॉइंट, वहाँ पे हम कुछ देर पहले खड़े थे। उसके उस तरफ जाओगे तो वारे बीच है और ये है आरे बीच। तो आरे और वारे बीच को जो डिवाइड करता है वो ये पहाड़ी है। मुझे ऐसे लंबे लंबे बीच हो ना वो ज़्यादा पसंद है। अगर मान लो ज़्यादा क्राउड होता तो हम दूर जगह भी एंजॉय कर सकते हैं। दो दिन में दो सरप्राइज मिला हमको। कल भी गणपति पुले के बीच पे बहुत एंजॉय किया हमने। हम सोच रहे थे कि ऊपर खड़े खड़े बीच देख लिया, अभी बीच तक ऐसे चल के नहीं आना, बट हम आए तो अभी जाने का मन नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। Thank you.
अभी अप्रोक्स हाफ एन आवर जितना हमने यहाँ पे एंजॉय किया, अभी जा रहा है वापस कार तक और जाएंगे रत्नागिरी। देखिए अभी आरएबी से निकल के हम जा रहे हैं रत्नदुर्ग फोर्ट। वैसे भी अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे का और हमारा होटल का चेक इन टाइम है वो 12:30 बजे तक का है, तो हमारे पास टाइम था तो अभी हम जा रहे हैं रत्नदुर्ग फोर्ट। देखिए आरएबी से निकल के रत्नदुर्ग फोर्ट पे आने पे हमको अप्रोक्स 20 मिनट जितना टाइम लगा और अभी ये आ गया रत्नदुर्ग फोर्ट। ये एंट्रेंस है, कार पार्क कर दी हमने। और एक चीज़ अच्छी है कि ये फोर्ट पे जाने के लिए ज़्यादा ऊपर ट्रैक नहीं करना पड़ता, कार बिल्कुल फोर्ट तक आती है। तो अभी जाएंगे अंदर। देखिए अंदर एंटर होते ही ये मंदिर है, देवी भगवती मंदिर। तो पहले चलते हैं दर्शन करते हैं। देखिए मंदिर के सामने ही ऐसा व्यू पॉइंट जैसा बना हुआ है, तो ऊपर जाके फ़ोटो खींचना हो तो फ़ोटो खींच सकते हैं। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं आगे देखने के लिए। देखिए अभी मई महीना है, 11 बजे का टाइम है, तो गर्मी से बचने के लिए छाव में ये खड़ी रह गई। और वैसे यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है। देखिए हम उस रास्ते से आए, फिर यहाँ पे व्यू पॉइंट हमने देखा और यहाँ से इस तरह से चलते चलते आगे जा रहे हैं। ऐसे साइड साइड में चलने का है और यहाँ से चारों तरफ से ये सी का व्यू आता है और इस तरफ से सब जंगल जैसा है। फिजिकली ये फोर्ट के ऊपर से ये सी का व्यू लोगे वो मेन है। ये जो दो तीन बोट जाती दिख रही है वो रियल लाइफ से देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब व्यू ये इतने ऊपर से सी को चारों तरफ से 360 डिग्री व्यू लेना सी का, वो अच्छा लग रहा है। ओहो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नीचे कोई जगह पे व्यूस कोई पर्वत के साथ टकरा रही है। देखिए यहाँ से दिखेगा नहीं दिखेगा पता नहीं, पर नीचे जो वो व्यूस टकरा रही है ना उसका बहुत अच्छा आवाज़ आ रहा है और यहाँ पे पवन भी अच्छा खासा चल रहा है और यहाँ पे थोड़ी छाव भी है। तो वैसे जगह बहुत अच्छी है, आना चाहिए। देखिए हम जहाँ पे खड़े हैं उसका नाम है मारक्या बुरुज। बुरुज मतलब व्यू पॉइंट। बट यहाँ पे आने के बाद लगता है कि नहीं है जगह, यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद अच्छा लगा, एक तो यहाँ पे छाव है और बाकी यहाँ से जो व्यू आता है वो व्यू भी अच्छा है। और क्या पवन भी अच्छा आ रहा है, गर्मी नहीं लग रही। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 5-10 मिनट एंजॉय करेंगे, बाद में जाएंगे वापस। देखिए ये हमारा होटल है, होटल सी फैंस। ये बिल्कुल मांडवी बीच के आगे ही है। देखिए अभी हम आ तो गए यहाँ पे हमारी होटल पे, होटल सी फैंस। अभी 12 बजे का टाइम है तो अभी हमारा रूम साफ हो रहा है, तो आधे घंटा हमको वेट करना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि तब तक हम लंच कर लेते हैं। तो ये उनका ही रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे बैठे हैं, अभी यहाँ पे लंच करेंगे, बाद में चेक इन करेंगे हमारी रूम में। देखिए लंच का तो ऑर्डर दे दिया हमने, बट यहाँ पर उन्होंने बोला कि यहाँ का स्पेशलिटी है मोदक, महाराष्ट्र का, यहाँ रत्नागिरी का, तो पहले वो टेस्ट करो।
तो वो हमने मंगा लिया है, अभी टेस्ट करेंगे और बताएंगे आपको कैसा लगा हमको। सबसे पहले हेमल टेस्ट करेगी। बहुत एकदम फ्रेश मधुर। ओके, अभी मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, हेमल ने तो बताया उसको कैसा लगा, अभी मैं ट्राई करता हूँ। कोकोनट का अंदर स्टफिंग है, वो एकदम स्वीट स्वीट, एकदम फ्रेश, बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी हम दूसरा भी मंगाएंगे, तो खाना खाएंगे, बाद में लास्ट में स्वीट में यही खाएंगे फिर से। बट अभी तक तो मैंने वीडियो में देखा था, ये मोदक मैंने फर्स्ट टाइम खाया, बरसात में बहुत अच्छा है। और दूसरा चीज़ अच्छा क्या है पता है, ये ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, तो ऐसा खाते खाते हमको ये वो भी नहीं लगता कि ज़्यादा हम स्वीट खा रहे हैं। तो टेस्ट बहुत बढ़िया है और एकदम फ्रेश है। तो मोदक मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं जहाँ भी जाऊँगा महाराष्ट्र में और मोदक मिलता होगा, तो मैं सबसे पहले मोदक का ऑर्डर करके पहले मोदक खाऊँगा, फिर लंच या डिनर करूँगा, फिर ख़त्म होने के बाद फिर से मोदक खाऊँगा। इतना अच्छा लगा मुझे। अभी लंच का ऑर्डर आने में टाइम है, तो हमने दूसरा मंगा लिया। अभी बैठे बैठे मोदक ही खाएंगे। अभी ये कंप्लीट करेंगे तब तक लंच आ जाएगा, तो फिर लंच करेंगे। अभी लंच ख़त्म होगा, बाद में फिर से मोदक खाएंगे। फिर हमने पनीर कोफ्ता और रोटी मंगाई है लंच में। तो उसके बाद हमने चेक इन कर लिया था, थोड़ा चेक इन लेट मिला, बट रूम बहुत अच्छा है, देखिए आप। और ये रूम में भी आप देखिए बालकनी से ये सी का व्यू आता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो अभी का प्लानिंग ऐसा है कि अभी 5 बजे है और अभी हम जा रहे हैं कसेली। तो कसेली यहाँ से थोड़ा दूर है, 1 घंटे का रास्ता है, तो चलिए निकलते हैं कसेली। अभी 6:30 बजे है और ये हम आ गए हैं कनकादित्य मंदिर पे। अभी जाते हैं अंदर और करते हैं दर्शन। कनकादित्य मंदिर कसेली। देखिए, मुझे मराठी आती नहीं है, पर मैं ये समझ पाया ये पढ़ के कि यहाँ पे चंपल मत निकालो, चंपल का स्टैंड आगे है। बताइए, मैं सच बोला? देखिए, यहाँ पे भी ये सिस्टम है कि यहाँ पे हाथ पांव धो के बाद में दर्शन करने के लिए जाने का अंदर। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए, दर्शन करके हम बाहर आ गए। और इस मंदिर की हिस्ट्री ऐसी है कि गुजरात में प्रभास पाटन करके जगह है, वहाँ पे मंदिर था। और पहले आपको पता ही है, अलग अलग मंदिर पे आक्रमण होता रहता था। वहाँ के पुजारी को ऐसा अंदाजा आ गया था कि मंदिर के ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो उसने क्या किया कि मूर्ति को एक नाविक को दे दिया कि कुछ टाइम के लिए आप ये मूर्ति रखो, बाद में जब शांति हो जाएगी तब आप मूर्ति वापस कर देना। तो वो नाव वाला मूर्ति लेकर यहाँ से गुजर रहा था। तो यहाँ पे पास में ही देवगली बीच है, कसेली बीच बोलते हैं उसको, वहाँ के नाव फंस गई। विदाउट एनी रीज़न नाव आगे जा ही नहीं रही थी। तो फिर उसको लगा कि भगवान को यहाँ पे रहना है, तो उसने मूर्ति, वो बीच पे एक गुफा है, मैं आगे अभी बताता हूँ, जाके वहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे कनका देवी करके एक महिला थी, उसको ऐसा सपना आया कि यहाँ पे भगवान की मूर्ति है और उनको यहाँ पे बसना है। तो फिर उन्होंने और गाँव वालों ने मिलकर ये मंदिर का निर्माण किया। तो ये थी हिस्ट्री यहाँ की। अगर आप आते हो रत्नागिरी, तो 1 घंटे का रास्ता है रत्नागिरी से यहाँ का, तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ से। तो अभी हमने दर्शन कर लिए, अभी जाएंगे देवगली बीच पे, तो चलते हैं। देखिए, फाइनली हम आ गए देवगली बीच पे। अभी कार में से इतना मस्त सनसेट दिख रहा है। अभी पहुँचते हैं मेन व्यू पॉइंट पे। देखिए, वो नीचे व्यू पॉइंट बना हुआ है और उसके नीचे भी जा सकते हैं, थोड़ा ट्रैक करके नीचे जाना पड़ेगा। और ये हो रहा है सनसेट। हम थोड़ा लेट पड़े यहाँ पे आने में, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, अभी सनसेट हो रहा है, वो मेन है। मैं स्पेशल सनसेट देखने के लिए ही आ जाया, बाकी कल मॉर्निंग में हम जाने वाले थे आगे, तब रास्ते में ही आता, बट आज हम स्पेशल आए रत्नागिरी से यहाँ पर सिर्फ ये सनसेट देखने के लिए।
कि यहाँ का ये सनसेट का व्यू है वो बहुत फेमस है और ये बीच भी बहुत फेमस है। एज एक्सपेक्टेड यहाँ पे सनसेट के टाइम पे आना वर्थ रहा हमारा। आपने भी देखा कि यहाँ का इवनिंग के टाइम का नजारा कितना ब्यूटीफुल होता है। जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। एक तरफ सनसेट देखने को मिलता है तो दूसरी तरफ ये एंडलेस सी का व्यू होता है, उसमें भी टॉप अप होता है इतना क्रिस्टल क्लियर पानी एंड जो इतनी जोर से वेव्स आती है तो उसको देखना और उसकी इतनी मस्त आवाज सुनने को मिलती है तो कुल मिला के बहुत मजा आता है। हमने तो यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारा फर्स्ट ट्रिप है महाराष्ट्र में, बट डील खुश हो गया। एनीवे अभी हमको जाना था नीचे, बट अभी अंधेरा हो रहा है और फिर हमको एक घंटे का ड्राइव करके वापस रत्नागिरी भी जाना है। तो अभी हमने ये डिसाइड किया है कि अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे और कल मॉर्निंग में फिर से यहाँ पे आएंगे। तो ये सेम जगह का व्यू मॉर्निंग में कैसे दिखता है वो भी हम विटनेस करेंगे और आपको दिखाएंगे। एंड फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे कल देवगढ़ के लिए। सो वो सबका डिटेल्स आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, नहीं तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो में कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।